इसी साल से वो मेरे साथ रिलेशन में भी था, लेकिन वो अचानक से अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करके पता नहीं क्या कैसे, मुझे नहीं पता उस सब चीज़ के बारे में, लेकिन उसने ऐसा पता नहीं क्या किया कि चार लड़कों को बुला के उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती सब कुछ किया। और जबकि मैं वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सर में चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया, निकाल के गेस्ट हाउस से निकाल के वो गैराज पर ले गए, वहाँ पर भी उन लोगों ने मेरे साथ वही सब दुष्कर्म किया मेरे साथ में। फिर उसके बाद में वीडियो वगैरह बना के रखे थे जिसमें मतलब वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, तो वो उसी वजह से मुझे बार बार वो अपने पास बुला रहे थे, रख रहे थे, फिर उसके बाद छोड़ देते थे। बॉयफ्रेंड ने बुलाया और फिर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप कर दिया। अयोध्या से गैंगरेप की ऐसी वारदात सामने आई जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। वही गैंगरेप पीड़िता ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में काम करने वाली लड़की के साथ उसके बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप कर दिया। बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप, वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया जा रहा था। पीड़िता को बार बार बुलाकर गैंगरेप किया जा रहा था। शिकायत करने पर बड़ी बड़ी धमकियां दी जाती थी। मैं श्री राम जन्मभूमि पे काम करती हूँ, अभी फिलहाल मेरा काम छूट गया है इस घटना के तहत। ये घटना अंगूरी बाग गोकुल गेस्ट हाउस में हुई है। एक लड़का मेरा दोस्त था, उसमें से उसने मेरे साथ मतलब पहले दोस्ती की, फिर वो मतलब रिलेशन में भी वो था, इसी साल से वो मेरे साथ रिलेशन में भी था, लेकिन वो अचानक से अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करके पता नहीं क्या कैसे, मुझे नहीं पता उस सब चीज़ के बारे में, लेकिन उसने ऐसा पता नहीं क्या किया कि चार लड़कों को बुला के उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती सब कुछ किया। और जबकि मैं वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सर में चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया, जिसकी वजह से मैं शाम को होश आया तो जो वहाँ पे लड़के जितने लोग थे जिनको मैं देखी थी वो सब वहाँ पे नहीं थे। शाम को सिर्फ वहाँ पे दो ही लड़का था, वंश चौधरी और विनय, वही दोनों थे। और फिर उसके बाद में मुझे शाम के टाइम में यहाँ से निकाल के गेस्ट हाउस से निकाल के वो गैराज पे ले गए, वहाँ पे भी उन लोगों ने मेरे साथ वही सब दुष्कर्म किया मेरे साथ में। फिर उसके बाद में वीडियो वगैरह बना के रखे थे जिसमें मतलब वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, तो वो उसी वजह से मुझे बार बार वो अपने पास बुला रहे थे, रख रहे थे, फिर उसके बाद छोड़ देते थे, जिसके डर की वजह से मैंने ना पुलिस में बताया, ना अपने घर में बताया, ना किसी फ्रेंड को बताया, किसी को मैंने बताया नहीं। फिर 22 तारीख को फिर से राम जन्मभूमि आए, वहाँ से फिर मुझे लिए। उसके बाद में ये लोग उसी 22 तारीख से मुझे अपने पास में ही रखे थे। 25 की रात में मतलब 24 की रात को 25 को उन लोगों ने मुझे छोड़ा है। उस बीच में ये सारे लड़कों ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया, और जिसकी वजह से फिर जब ये लोग मुझे राम मंदिर छोड़ने के लिए जा रहे थे तो उस बीच में गाड़ी भी लड़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे चोट भी लगी थी। और 28 तारीख को मैं अपना एप्लीकेशन देने जा रही थी महिला थाना पे, तो वहाँ पे भी इन लोगों ने फ़ोन करके मुझे डराया धमकाया, कहा कि अगर ऐसा करोगी तो जो तुम्हारे साथ हुआ है वही तुम्हारी बहनों के साथ करेंगे, तुम्हारे घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा, तो मैं डर की वजह से चली आई। तो सुना आपने, इसी साल से आरोपी लड़के के साथ पीड़िता रिलेशनशिप में थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने यानी बॉयफ्रेंड ने पहले लड़की को बुलाया, फिर दोस्तों के साथ मिलकर बड़े कांड को अंजाम दे दिया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि इस मामले में जब वो पुलिस से शिकायत करने पहुंची तो धमकियां मिलने लगी, और जैसे तैसे वो पुलिस तक पहुंची तो पुलिस भी पीड़िता और उसके परिवार पर ही दबाव बना रही थी। तो वहाँ पे महिला थाना पे जब मैं गई तो उन्होंने बोला ये सारी घटना जो भी है वो झूठा है, और क्या कहते हैं जो भी तुमने मतलब लिखवाया है वो सही नहीं है, और मतलब मुझे ही उन्होंने गलत बताया कि तुम गलत हो, लड़के ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब जितना भी मैं उसमें लिखवाई थी उतना सब कुछ कराई थी, वो सब लोगों ने बोला कि पहले मैं जांच वांच कर लूँगी तब फिर मैं बताऊँगी। उसके बाद 2 तारीख को मैं 12 बजे तक इंतज़ार की, जब मतलब मेरे पास कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया महिला थाना से, तो फिर से मैं वहाँ पर गई SSP सर के यहाँ, वहाँ से आदेश हुआ SPCT सर के यहाँ, फिर मैं वहाँ पे भी गई, तो वहाँ से मतलब महिला थाना कैंट के SHO को बुलाया गया, उनको बताया गया कि मेरा केस दर्ज हो और मतलब मेरा FIR लिखा जाए, तो वो लोग मुझे 2 बजे से लेकर के फिर रात को 9 बजे मेरा केस दर्ज हुआ है। फिर उसके बाद रात में 11:30 बजे मेरा मेडिकल भी हुआ। फिर उसके बाद में मतलब मुझे 36 घंटे तक बैठाए भी रहे, और FIR हो जाने के बाद मुझे कॉपी भी नहीं मिला।
मेरे घर वालों को भी बहुत डराया धमकाया गया, दबाव बना के मेरा जो मैं एप्लीकेशन लेके गई थी FIR लिखवाने के लिए, वो भी उसमें वो उसको उन्होंने नहीं लिखा, दूसरा एप्लीकेशन मुझसे लिखवाया अपनी भाषा में, बोले कि जो जो मतलब इसमें मेन मेन है वो चीज इसमें लिखो और क्या कहते हैं उससे ज्यादा मतलब कुछ भी मत लिखना। तो वो सब वो करा के और क्या कहते हैं एप्लीकेशन मतलब मेरा गलत करवा के FIR करवाए। और उसके बाद में जब मैं यहाँ पे बयान मेरा होना था तो उसमें भी मुझे डराया गया कि अगर तुम ये बयान पलटोगी तो तुमको और तुम्हारे घर वालों को जेल हो जाएगी। इस वजह से मैं उनके डर के दबाव में आके मैंने ये सब बोला। और यहाँ पे भी मेरे घर वालों को बोला गया कि अपनी लड़की को बाहर ना आने दिया जाए, नहीं तो अगर कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, ना उसको नौकरी करने दिया जाए, बाहर पढ़ना पढ़ाई लिखाई वो कर रही है तो फैजाबाद उसको आने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर कोई कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मेरे घर वालों को पैसे का लालच दिया गया कि अगर मतलब अगर अपनी लड़की की इज्जत चाहते हो तो घर में बैठा के रखो और मतलब केस वेस ना करो, नहीं तो फिर बहुत वो लोग मतलब बड़े, ये SHO थाना कैंट ने बोला, मेरे माँ बाप से बोला कि अपनी लड़की की अगर इज्जत चाहते हो तो कहीं भी बाहर मत निकलने दो, मीडिया पे ना शोने होने दो, नहीं तो इज्जत जाएगी, कहीं शादी ब्याह नहीं होगा। उन्होंने बोला कि मैं पैसा कुछ पैसा दिला करके तुम्हारे मतलब तुम्हारे 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 लड़की की जिंदगी मतलब सही हो जाएगी। आरोप है कि पुलिस समझौते के लिए पीड़िता और उसके परिवार पर लगातार दबाव बना रही थी। पहले तो FIR नहीं लिखी गई, कई चक्कर लगवाए गए और जब SSP के आदेश के बाद केस दर्ज हुआ तो FIR की कॉपी पीड़िता को नहीं मिली। अयोध्या से सामने आया गैंगरेप का ये मामला लगातार कई बड़े सवाल उठा रहा है और UP पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट UP तक।